इधर ग्वालियर में नगर निगम ने युवक को टॉयलेट करते हुए पकड़ा और उसे सड़क पर कान पकड़कर उससे उठक बैठक लगवाई है। वहीं चेतावनी भी दी कि अगर सड़क किनारे गंदगी फैलाते हुए दिखाई दिया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें सामने आई है ग्वालियर से, जहां सड़क किनारे एक शख्स टॉयलेट कर रहा था और उसे नगर निगम के अधिकारियों ने वहां पकड़ा और उसके बाद उसे उठक बैठक लगवाई, उससे माफी भी मंगवाई। मामला ग्वालियर का है, जहां एक शख्स सड़क पर पेशाब कर रहा था, उसे वहां मौजूद नगर निगम कर्मचारियों ने पकड़ा और उससे उठक बैठक लगवाई। ये तस्वीरें ग्वालियर की है, मामला ग्वालियर का है। सफाई कर्मियों ने इसे फटकार लगाई है और उसके बाद इस बात की चेतावनी भी दी कि अगर भविष्य में ऐसी गलती की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सड़क किनारे गंदगी फैला रहा था, मामला ग्वालियर का है। फिलहाल नगर निगम कर्मियों ने इससे उठक बैठक लगवाई है। खुले में बाथरूम करने वाला आदमी है, लिखा हुआ है, फिर भी मामला ग्वालियर का है। यहाँ सड़क किनारे गंदगी फैलाने वाले शख्स को नगर निगम सफाई कर्मियों ने फटकार लगाई और उसके बाद उससे उठक बैठक भी लगवाई और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बाथरूम करने वाला आदमी है, लिखा हुआ है, फिर भी मान नहीं रहे। मामला ग्वालियर का है, सड़क पर इस शख्स से उठक बैठक लगवाई है। तस्वीरें ग्वालियर की है, जहां यह शख्स सड़क किनारे गंदगी फैला रहा था, इसे पकड़कर नगर निगम सफाई कर्मियों ने फटकार लगाई है। और चलेंगे ग्वालियर, बात करते हैं सहयोगी कर्ण मिश्रा से। कर्ण, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? एक संदेश देने वाली कोशिश नगर निगम सफाई कर्मियों ने की है, ऐसे में और क्या कुछ अभियान नगर निगम कर्मचारियों का? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से ग्वालियर स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पिछड़ा चलाया रहा है और यही वजह है कि नगर निगम के जो आला अधिकारी है उसके साथ ही अब जो सफाई कर्मी है वो भी अब सख्त रवैया जो है अपनाने लगे हैं। ऐसी तस्वीर जो है वो ग्वालियर के सामने आई है, जहां पर एक युवक जो है खुले में बाथरूम कर रहा था। ऐसी स्थिति में सफाई कर्मियों ने पहले तो उसको समझाइश देने की कोशिश की थी। जब युवक के द्वारा बदतमीजी की गई तो सफाई कर्मियों ने इसकी शिकायत जो है नगर निगम की टीम से की। मौके पर पहुंची हुई टीम ने जो है वो तत्काल वहां पर पहुंचकर युवक को समझाइश दी और उसके बाद खान पकड़कर उसने उठक बैठक लगाई। पर कहीं ना कहीं ये संदेश देने की ये कोशिश है कि स्वच्छता के लिए जितने जिम्मेदार सफाई कर्मी और नगर निगम है उसके साथ ही पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी आम लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। उम्मीद यही की जा रही है कि इस तरह की जो तस्वीर सामने आती है उसके बाद लोग सबक लेंगे और स्वच्छता का वातावरण बनाने में अपनी ओर से भी योगदान देते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कर्ण मिश्रा खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।